मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर रेशों से वस्त्र तक। अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि तंतु से तागा बनता है और तागों से हमारे वस्त्र बनते हैं, और इनके सोर्सेज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो तंतु हैं, रेशे हैं, फाइबर्स हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किए थे प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, यानी कि पादप रेशे और जंतु रेशे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं मैन मेड सोर्सेस के लिए। जो रेशे हैं ये हमारे मानव निर्मित भी होते हैं, या इनको हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ये कृत्रिम रेशे तैयार किए जाते हैं केमिकल्स से फैक्ट्रीज में, और ये जो फाइबर होता है, ये जो रेशा होता है, इसे अगर हम कंपेयर करें नेचुरल फाइबर से, प्राकृतिक रेशों से, तो ये काफी मजबूत होता है, ये ड्यूरेबल है, काफी लंबा समय तक चलने वाला होता है, और इनमें इनसे बने हुए वस्त्रों में जो है वो रिंकल्स यानी कि सलवटें नहीं पड़ती, इनका रख रखाव यानी कि मेंटेन करना काफी इजी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कृत्रिम रेशों से बने हुए वस्त्रों की? बेटा, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो इनका रेशा है वो हीट के पास जाने से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर किसी सिचुएशन में आग लग जाए तो ये बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, क्योंकि पिघल जाते हैं, और अगर बॉडी पर ये चिपक जाएंगे तो आप सिचुएशन सोचिए कितनी वर्सन हो जाएगी। इसीलिए कभी भी इन वस्त्र, इनसे बने हुए कपड़ों को पहनकर हमें किचन में या लैब में काम नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपकी कृत्रिम रेशों के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे कि तंतु से तागा बन गया क्योंकि हमने तंतु को ट्विस्ट किया और क्या बना लिया? तागा। तंतु से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने घर में सबने बत्ती जरूर बनाई होगी, दिवाली पे हम क्या करते हैं, रुई लेते हैं और उसको ऐसे बल दे के जो है ट्विस्ट करके हम क्या कर लेते हैं, एक बत्ती तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से ही बहुत बड़े स्केल पर जो है फाइबर से तागा यानी कि धागा बनाया जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कताई। क्या बोलते हैं बच्चों? कताई। अब कताई के बाद ये जो कताई है स्मॉल स्केल पे अगर हम देखें तो ये हाथों से यानी कि तकली से या चरखे से की जाती है। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने चरखे के इस्तेमाल पे बहुत ही एम्फेसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा चरखे से बने हुए जो सूत होता है और उससे बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि स्वदेशी अपनाओं का उन्होंने नारा दिया था। आज भी हमारे शहरों में खादी ग्राम उद्योग से बने हुए वस्त्र मिलते हैं। वो जो वस्त्र होते हैं बेटा, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके के जो फाइबर्स हैं, जैसे कि आपका कपास है, उससे बने हुए एक चरखे से उनकी कताई की जाती है, और वो हैंडलूम होते हैं, यानी कि जो लूम जिसपे वो स्ट्रक्चर जिसपे कपड़े की बुनाई की जाती है वो हाथ से बने हुए होते हैं। तो तंतु से तागा बन गया, और तागे से अब वस्त्र कैसे बनते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की बेटा दो जो प्रक्रिया है जो बहुत पॉपुलर है वो है आपकी, पहला जिसे हम बुनाई कहते हैं, बुनाई यानी कि वीविंग, और दूसरी प्रक्रिया को हम बंधाई कहते हैं यानी कि निटिंग। पहले हम बुनाई डिस्कस करते हैं। वीविंग जो है वो दो तागों के दो सेट को व्यवस्थित करके की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कपड़े को बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक चेक लाइक अरेंजमेंट दिखाई देता है, यही है वीविंग का तरीका। इसके अंदर तागों के दो सेट्स को अरेंज किया जाता है यानी कि व्यवस्थित किया जाता है।
आपने गांव में कभी किसी बच्चे ने गांव में दरी बुनते हुए जरूर देखा होगा किसी ना किसी ने। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और नानी के घर जाती थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लूम लगा कर रखा होता था जिसके अंदर इस तरह से धागे आते थे और फिर वो उसको क्रॉस करके डालती थी और उसको बाद में खींच के क्लोज कर लेती थी और धीरे 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 2-4-5-6 दिन में जो है बहुत ही बड़ी सी दरी तैयार कर लेती थी। यही तरीका होता है बेटा वीविंग का। बाकी इस वीडियो के बाद मैं एक्टिविटी वीडियोस दिखाऊंगी आपको अपनी जिसमें हम वीव भी करेंगे और नेट भी करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी इसी को। तो मैंने आपको ये बताया कि बुनाई यानी कि वीविंग एक ऐसा मेथड है जिसमें तागों की दो सेट को व्यवस्थित किया जाता है और धीरे 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 करते करते एक बड़ा वस्त्र तैयार हो जाता है। वीविंग जो है वो करघों पर की जाती है, उसको हम इंग्लिश में लूम कहते हैं उस अरेंजमेंट को। ये करघे या तो बेटा हाथों से चलाए जाते हैं और या ये मशीनों से बिजली की मदद से चलाए जाते हैं। सेकंड प्रोसेस जिससे कोई कपड़ा बनता है वो है बंधाई। बंधाई में यहां पर क्योंकि धागों के दो सेट्स है लेकिन यहां पर जो है बंधाई में एकल धागे का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम श्योर बंधाई करते हुए निटिंग करते हुए सबने अपनी मम्मी या दादी को देखा होगा, इसमें दो सलाइयां होती हैं लेकिन धागा एक ही होता है और क्रॉस करते करते जो है एक पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है। और क्योंकि ये एकल धागा है इसलिए अगर इसके वस्त्र जरा सा भी कहीं से उधड़ते हैं, एक धागा खींचते ही पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो खुल जाता है। जैसे कि आपकी सॉक्स हैं, आपकी जो सॉक्स हैं वो निटिंग मेथड से बनी होती हैं, इनको हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीनों से भी। यही कारण है अगर आप सॉक्स का एक धागा खींचते हैं तो पूरा का पूरा सॉक्स जो है वो बिल्कुल खुल जाता है। तो है ना इंटरेस्टिंग तरीका, मुझे भी बहुत मजेदार लगा था जब मैंने वीविंग और निटिंग के बारे में पढ़ा था, तो आई एम श्योर आपको भी लगा होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि वस्त्र का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, enjoy your e-learning. Bye. NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.